स्टूडेंट्स, खैर मकदम है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि ड्यूजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 5, 6 और 7 क्या है। यानी आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि 5, 6 और 7 से हम किन किन नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं और किन किन नंबर्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं। इट्स गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। So dear students, let's begin with the number 5. 5 is the number which can divide the numbers which end with 0 or 5. Yani 5 se hum sirf un numbers ko divide kar sakte hain jo units place pe jinka ya to 0 hai ya 5 hai. For example, agar hamare paas hai 175, 175 ke units place pe 5 hai, so it is divisible by 5. और एक और एग्जाम्पल के तौर पे हम लेते हैं 809 जो है इट एंड्स विद 9, सो यूनिट्स प्लेस पे न तो 0 है न 5 है, इसलिए हम कह सकते हैं कि 809 को 5 से डिवाइड नहीं किया जा सकता है। नाउ 6, अगर हम 6 की बात करें, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 6 इफ इट इज डिविजिबल बाय 2 एंड इट इज डिविजिबल बाय 3। यानी 6 से हम उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं जो 2 से डिवाइड होता है और जो 3 से डिवाइड होता है। यानी इस डेफिनेशन को हम एक और तरीके से कह सकते हैं, 6 से हम उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं जो या तो इवन है और फिर 3 से डिवाइड हो सकता है। मैं एक एग्जांपल के तौर पे एक नंबर देता हूं, 114 जो है वो एक इवन नंबर है क्योंकि इनके इसके यूनिट्स प्लेस पे जो डिजिट है वो 4 है। 114 इवन है यानी ये 2 से डिवाइड हो सकता है, लेकिन अगर हम 3 से चेक करेंगे हम इसके डिजिट्स जो है उनको ऐड करेंगे, उनका सम करेंगे। इनके डिजिट्स जो है 114 के जो डिजिट्स हैं वो है 114, 1 प्लस 1 दैट इज 2 प्लस 4 दैट इज 6, 6 इज डिविजिबल बाय 3। तो इसका मतलब ये है कि 114 को 2 से भी डिवाइड होता है, 114 को 3 से भी डिवाइड होता है, इसका मतलब है इसको 6 से भी डिवाइड होगा। एक और एग्जांपल हम देते हैं, अगर हम 308 लेंगे, 308 भी इवन है यानी इसको 2 से डिवाइड होता है, लेकिन अगर हम इसको 3 से डिवाइड करने की कोशिश करेंगे, 3 से डिवाइड करने की जो करने का जो टेस्ट है वो हम डिजिट्स को ऐड करते हैं और इनके डिजिट्स जो है वो 308 के डिजिट्स जो है वो है 308। अगर हम ऐड करेंगे वो बनेगा 3 प्लस 0 प्लस 8 यानी 11। 11 को 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए 308 तो इवन है लेकिन 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए हम कह सकते हैं 308 को 6 से डिवाइड नहीं होता है। नाउ लेट अस डिस्कस अबाउट द डिविजिबिलिटी टेस्ट ऑफ 7। 7 को हम 7 से हम उन नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं, इसके लिए एक रूल है। 7 से हम उन नंबर्स को डिवाइड कर सकते हैं जो एक रूल सेटिस्फाई करें। रूल क्या है? रूल ये है, हम लास्ट डिजिट जो है ना एक नंबर का उसको डबल करते हैं, डबल करने के बाद उसको जो रिमेनिंग डिजिट्स का नंबर है उससे सब्ट्रैक्ट करते हैं, उसमें से सब्ट्रैक्ट करते हैं। अगर वो नंबर डिवाइड होता है 7 से तब हम कह सकते हैं कि नंबर इज डिविजिबल बाय 7। मैं एक बार फिर एक्सप्लेन करता हूं, 7 डिविजिबिलिटी टेस्ट के लिए रूल है कि अगर हमारे पास एक नंबर है उसके लास्ट डिजिट को हम डबल करते हैं, डबल करके रिमेनिंग डिजिट्स में से उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, जो रिजल्टेंट नंबर है अगर उसको 7 से डिवाइड होता है तो हम कह सकते हैं द ओरिजिनल नंबर इज डिविजिबल बाय 7। मैं एक एग्जांपल से आपको समझाऊंगा, अगर हमारे पास एक नंबर है 672, इसका लास्ट डिजिट जो है वो 2 है, 2 को जब हम डबल करेंगे वो बनेगा 4, 4 को हमें सब्ट्रैक्ट करना है जो रिमेनिंग डिजिट्स का नंबर है, यानी 6, 7 जो रह जाते हैं 2 के बगैर उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, तो 6, 7 माइनस 4 जो है वो बन जाता है 63, 63 इज डिविजिबल बाय 7 बिकॉज 7 × 9 इज 63, सो द गिवन नंबर 672 जो है इट इज डिविजिबल बाय 7।
एक और एग्जाम्पल आप ले लीजिए, 105 की बात करते हैं, 105 का लास्ट डिजिट जो है वो 5 है और इसके जो बाकी रिमेनिंग टू डिजिट जो है वो 1 और 0 है, ठीक है। 5 को पहले डबल करिए, 5 का डबल जो है वो 10 बन जाता है, उस 10 को रिमेनिंग डिजिट्स के नंबर से सब्ट्रैक्ट कीजिए या रिमेनिंग डिजिट्स के नंबर में से सब्ट्रैक्ट कीजिए, वो बन जाता है 10 माइनस 10 दैट इज 0। 0 इज डिविजिबल बाय एवरी नंबर, एवरी नॉन जीरो नंबर, सो 0 इज डिविजिबल बाय 7। वी कैन कंक्लूड दैट 105 इज डिविजिबल बाय 7। एक और एग्जांपल, अगर हमारे पास बिल्कुल इसी पैटर्न का एक नंबर है 905, यानी 905, इसका लास्ट डिजिट जो है वो 5 है, 5 को जब हम डबल करेंगे वो बन जाता है 10, 10 को अगर हम रिमेनिंग डिजिट्स के नंबर में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी रिमेनिंग डिजिट्स का जो नंबर है वो 90 बन जाता है, 90 को सब्ट्रैक्ट कीजिए 10 से, वो बन जाता है 90 माइनस 10 दैट इज 80, 80 इज नॉट डिविजिबल बाय 7, सो वी कैन कंक्लूड दैट 905 is not divisible by 7। इसका मतलब है डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपने सीखा 5, 6 और 7 का divisibility test क्या है, यानी हम किन किन numbers को 5, 6, 7 से डिवाइड कर सकते हैं और किन numbers को 5, 6, 7 से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। आई होप आपने ये वीडियो जो है एंजॉय किया होगा और आपने कुछ ना कुछ इस वीडियो में से जरूर सीखा होगा। आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और आगे किन मौजूदात पे, किन टॉपिक्स पे आप वीडियो चाहते हैं आप हमें वो भी लिख सकते हैं अपने कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आज के लिए इजाजत, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।